Good morning, Miss Karan. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. ये क्या? मिस्टर पेमेंट ने इतने जोर से चिल्ला के तुझे गुड मॉर्निंग किया और तूने जवाब ही नहीं दिया? अरे तू नहीं जानती, फौरन जवाब देने से आदमी की वैल्यू कम हो जाती है. अब मैं जवाब दूंगी. गुड मॉर्निंग मिस्टर पीएम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग साहब. सब लोग आपको हमेशा मिस्टर पेमेंट बोलते हैं, मगर सुधा मैम साहब आपको हमेशा पीएम क्यों बोलती हैं? ओह, पीएम मींस परफेक्ट मैन. परफेक्ट मैन. ये पीएम का क्या मतलब है? पक्का मक्खी चूस, यानी कि महाकंजूस. सेविंग्स अकाउंट. सेविंग्स. सेविंग्स. थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ. नेक्स्ट. सेविंग्स अकाउंट. करंट. करंट. देखा, उसने मेरे टोकन को अलग रख दिया, तेरे टोकन को चूम लिया. इसका मतलब है वो तुझसे बहुत प्यार करता है. करंट अकाउंट. करंट अकाउंट है जी. बहुत दिनों से सोच रहा हूं तुमसे अकेले में मिलूं. क्या तुम नेहरू पार्क में आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है. कुछ कहने को आया था मैं, कुछ कहने को आया था. क्या कहना था याद नहीं, अरे याद है बस इतना कि कुछ कहना था. कुछ सोच के आई थी मैं, कुछ सोच के आई थी. क्या सोचा था भूल गई, पर ये नहीं भूली कि कुछ कहना था. कुछ कहने को आया था मैं, कुछ सोच के आई थी. समझ गया कि तुम क्या भूले हो, अरे वही तो होगा जो ना कह पाए हो. मेरे हमदम दिल की बातें अंतिम दिन भूले समझ गए. जो मेरी कहानी है वही तेरा फसाना है. कुछ कहने को आया था मैं, कुछ कहने को आया था. क्या कहना था याद नहीं, अरे याद है बस इतना कि कुछ कहना था. कुछ कहने को आया था. We'll be right back.
बहारों में सावन की बहारों में दिल भर वही जो दिल की बातें जाने इशारों में बातों में बात को छुपा कर क्या होगा को साझे। मगर यहाँ की बात कुछ और है। मिस्टर पेमेंट मिस करण का काम कर सकता है और करण पेमेंट का। क्यों? इसलिए मिस्टर पेमेंट मिस्टर बावर्ची बने हुए हैं। क्या कर रहे हो? कुछ डालना था इसमें, मिर्ची या नमक याद नहीं, याद है इतना कि इसमें कुछ डालना था। लो। क्या कमी है मिस्टर बावर्ची? इसमें नमक डालना है। तो डालिए। तुमसे किस पागल ने कहा है झंझट में पड़ने के लिए? आराम से किसी अच्छे होटल में खाना खा सकते हो। यू आर राइट मैडम, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन होटल का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वैसे महंगा भी पड़ता है और पैसे जाया करने का मुझे शौक नहीं। इसीलिए तो मैंने तुम्हारा नाम पीएम रखा है, पक्का मक्खी चूस, महाकंजूस। मैं कंजूस नहीं हूं सुधा, रुपया सोच समझ के खर्च करता हूं। तुम्हें मालूम नहीं सुधा, मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या देखा है। मैं वो दिन नहीं भुला सकता जब मुझे और अपने भाई सुंदर को पढ़ाने के लिए छोटी मालकिन एक एक पैसे के लिए दिन रात मेहनत किया करती थी। छोटी मालकिन? हाँ, उन्होंने तो पाल पोस कर मुझे इस लायक बनाया। अब वो कहाँ है? नागपुर अपने भाई डॉक्टर सुंदर के पास रहती है। मैं एक एक पैसा बचाता हूँ ताकि एक रोज इस काबिल हो जाऊं कि उनकी सेवा कर सकूं। सुधा, मेरी मां उनके यहां नौकरानी थी, मैं उस वक्त बहुत छोटा सा था। मालिक के मरने के बाद उनके परिवार ने बहुत बुरा वक्त देखा, लेकिन मेरी मां ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन मेरी मां चल बसी, मगर उन लोगों ने कभी मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक अनाथ हूं या एक नौकरानी का बेटा हूं। उन्होंने मुझ में और अपने आप में कभी कोई फर्क नहीं महसूस होने दिया। मालिक के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनकी बेटी के नाजुक कंधों पर आ पड़ी। मैं उन्हें छोटी मालकिन कह के बुलाया करता था। जहां कहीं कोई उत्सव होता वहां गाने गा गा कर उन्होंने अपनी बूढ़ी मां, अपने भाई और इस अनाथ का पालन किया। सुधा,
वो बहुत अच्छा गाती थी। शोभा जाए ना परनी
ये रहा आपका चेक। धन्यवाद। कल रात आपका प्रोग्राम लोगों को बहुत पसंद आया। और आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हमारी संस्था की तरफ से पहली बार इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है। अगर आप मुझे कुछ और प्रोग्राम दिलवा सकें तो मेरे परिवार पे बड़ा एहसान होगा। क्यों? आपके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है? 7 साल पहले पिताजी का देहांत हो गया, तब से मैं ही घर को संभालती हूँ। घर पे माँ है, छोटा भाई है और हमारी नौकरानी का बेटा, जिसका सिवाय हमारे इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझसे जो हो सकता है मैं जरूर करूँगा। धन्यवाद। तो मैं इजाजत चाहूंगी। नमस्ते। 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 आप इस वक्त यहाँ? एक पार्टी से रुपयों की वसूली करने आई थी, वहाँ देर हो गई। लेकिन आप इस तरह? मैं भी रुपए के सिलसिले में एक दोस्त से मिलने आया। आइए मैं आपको घर छोड़ दूँ। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। बहुत देर हो चुकी है, बस कहाँ मिलेगी आपको? आइए ना, मैं छोड़ देता हूँ। अगर मेरे साथ चलने में कोई एतराज है तो और बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आइए। थैंक यू। आइए बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जी। माँ कहाँ है? माँ, ये लो। कितनी देर कर दी तूने? पैसे वसूल करने में आखिरी बस भी निकल गई, इसलिए देर हो गई। तू क्या इतनी दूर से तू पैदल चली आई? नहीं सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आप कौन हैं सर? ये मिस्टर रामनाथ हैं, मैंने जिनका जिक्र किया था ना, बैठिए ना। अपने स्कूटर पे यहाँ लेकर आए हैं। आप क्या लेंगे? चाय? नमकीन? जी नहीं, कुछ कुछ नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। ये मेरा छोटा भाई सुंदर है। नमस्ते। और ये मैं शंकर हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तुम दोनों इतनी देर तक पढ़ते हो? हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इम्तिहान में तो अभी 2 महीने बाकी हैं। अगर हम अच्छे नंबर नहीं लेंगे तो छोटी मालकिन बुमा बुम करेंगी, इसीलिए हम अभी से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम दोनों? मैं मैट्रिक में हूँ। और मैं 6th में हूँ। हमेशा पहला नंबर आता हूँ। कभी कभी ये भी पहला नंबर मार लेता है। अब पढ़ लिख कर तुम क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर? मैं तो डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं तो किसी बैंक में खजांची बनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ में बहुत सा रुपया हो। हमारे घर में रुपयों का घाटा है ना। शंकर? नहीं छोटी मालकिन। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा बच्चों, मैं संगीत कह रही। मधु जी, आपने संगीत का इतना बड़ा इम्तिहान पास किया हुआ है जी, तो आप यहाँ के संगीत कला मंदिर में नौकरी की कोशिश क्यों नहीं करती? मैंने कभी सोचा ही नहीं। अरे आपके पास इतना बड़ा डिप्लोमा है, इतना अच्छा गाती हैं आप, आपको इधर उधर जाने की क्या जरूरत है? मैं समझता हूँ कोशिश करने से आपको नौकरी मिल सकती है, वहाँ की तनख्वाहें भी बड़ी अच्छी हैं। ऐसा हो जाए तो मेरे सारे क्लेश धुल जाए, इसका इधर उधर अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करूँ, घर चलाने के लिए और कोई साधन है नहीं, इसलिए चुप रहना पड़ता है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। संगीत कला मंदिर के प्रिंसिपल साहब से मेरी अच्छी जान पहचान है, आप वहाँ अर्जी भेज दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। ऐसा हुआ इंटरव्यू? अच्छा रहा। मुझे लगता है आपको नौकरी मिल जाएगी। ये तो आप ही की मेहरबानी है। मैं क्या हूँ, आपको नौकरी मिलेगी अपनी काबिलियत की वजह से। ये लीजिए शादी का इनविटेशन। आपकी शादी? मेरी कहाँ, मेरी बहन की शादी है, जरूर आइएगा। जरूर आऊंगी। आइए शास्त्री जी। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी। मिस्टर वेलातीराम, सन ऑफ मिस्टर खैरातीराम। स्टॉप इट, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद देता हूँ।
मिस्टर रामनाथ, व्हेन आई वाज बोर्न मेरे मम्मी डैडी को मालूम पड़ गया था कि मैं अक्सर विलायत आया जाया करूंगा, इसलिए उन्होंने मेरा नाम विलायती राम रख दिया। वैसे न्यूयॉर्क और इंग्लैंड में मुझको विकी कहते हैं। मैं कॉलेज के जमाने से आपके होने वाले ब्रदर इन लॉ श्यामलाल का गहरा फ्रेंड। मैं अभी भी न्यूयॉर्क से वापस आया तो मैंने श्यामलाल का वेडिंग कार्ड देखा। मैं कह रहा था कि अभी अभी न्यूयॉर्क से वापस आया तो मैंने श्यामलाल का वेडिंग कार्ड देखा एंड आई सेड आई मस्ट गो, आई मस्ट अटेंड दिस मैरिज। एक मिनट, आई वाज कमिंग, आई सेड आई मस्ट अटेंड, व्हाट ए स्पीड, फुल स्पीड में कार दौड़ाई एंड अटेंडेड दिस मैरिज। आई फील फैंटास्टिक, व्हाट अ मैरिज, व्हाट अ फ्रेंड। अभी बारात आने वाली है, अभी नहीं, आइए ना, आइए ना, बैठिए ना, आइए हरिराम जी, आइए। नमस्ते, माफ कीजिएगा देर हो गई। नहीं कोई बात नहीं, बारात तो अभी आई नहीं है। कैसे तुम लोग? हम तो ठीक है सर। आपका ब्याह कब होगा? मैं सॉरी। नहीं कोई बात नहीं है, बच्चा है। अब आइए ना, आपको सबसे मिलाता हूं। नीरू, ये है हमारी दुल्हनिया बहन। नमस्ते, बहुत सुंदर। ये है मधु भैया, आपके गाने की बहुत तारीफ करते हैं। वो तो ऐसे। तुम सब चलो, मैं भी आती हूँ। दीदी तुम एकदम रेडी हो ना? वेरी गुड, कितनी क्यूट लग रही हो। शारदा, ओ भैया तुम यही और जरा सुनो ना, शारदा ये मेरी छोटी बहन शारदा मधु। नमस्ते। नमस्ते जी। अरे अरे बापे, बड़े काम पड़े। मधु तुम नीरू के पास बैठो, मैं मेहमानों को देख कर आता। सर आपकी माँ जी कभी स्कूल नहीं गई? क्यों? उन्हें ये भी नहीं पता कि नमस्ते का जवाब देना चाहिए। शंकर कुछ भी उल्टी सीधी बकता रहता है। मैं आता हूँ। ऐसे बोलते क्या बड़ों के लिए? कभी मैं तो कहता हूँ रोज किसी ना किसी की शादी होती रहे, भक्तों की बयान को संभालने के लिए कितने हाथ है। डैडी, डैडी। हाँ हाँ। वहाँ बारात आ रही है और अभी तक आप ताशी खेल रहे हैं। अरे वहाँ तो बारात आ रही है, यहाँ जोकरों की बारात आ गई है। मुझे मालूम है कहाँ किसे पहुँचना, चल अपना काम कर। आपके डैडी हैं, आपको ऐतराज है? नहीं, फाइन फाइन। नमस्कार। क्या कर रहे हैं? मैं आपका सन इन लॉ, आई मीन आपके होने वाले दामाद का जिगरी दोस्त विकी। विकी विकी लवली 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 औरत ने इसको उठाइए, इसको रखिए एंड डिक्लेयर। अरे ठीक है, बैठ जाती है। हमारा दरवाजे तक आप मेरी बेटी। मैं आपके होने वाले ब्रदर इन लॉ यानी कि होने वाले जीजा जी का जिगरी दोस्त। एक्सक्यूज मी, सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा था। देखिए जो कुछ भी आपको कहना है जरा जल्दी कहना। अरे सुनिए, अगर आपको काम है तो जल्दी बाद में कह दूंगा। बाद में आप चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, गौरी भूम्ना पृथिवी। एक्सक्यूज मी। यस। मेरा एक काम करेंगे आप? फरमाइए। बात क्या है, शादी के झंझट में मैं बहुत बोर हो जाता हूँ। आई एम अ वेरी बिजी मैन, इतनी देर वेट नहीं कर सकता। अगर आप बुरा नहीं माने तो मेरी तरफ से अपने ब्रदर इन लॉ को ये प्रेजेंट दे देंगी। Oh, okay, I don't mind. Oh, please, thank you. Oh, God. Oh. ये क्या है? Transistor. Transistor? Yeah. Imported. मैं चलाता हूँ, एक सेकंड देखिए. सुनिए. Oh, lovely. कितना खूबसूरत है. बहुत महंगा होगा. Don't bother. आपको पसंद है? हाँ. रख लीजिए मेरे पास तरह तरह की ट्रांजिस्टर है। बाल्टी में ट्रांजिस्टर, कचोरी में ट्रांजिस्टर, ग्लास में ट्रांजिस्टर, प्लेट में ट्रांजिस्टर। ओके बाय बाय। एक्सक्यूज मी। यस द प्रेजेंट। ओह एक बात कहूँ? फरमाइए। हेमा मालिनी लगती है। आप धर्मेंद्र हैं? माइंड योर ओन बिजनेस बच्चे। ओके
I'm not having any business. But I'm having my business, okay? Harmendra. Darling. मधु जी, दीदी, दीदी, मधु जी आपको नौकरी मिल गई, ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। मुबारक हो दीदी। थैंक यू। मुबारक हो छोटी मालकिन, लेकिन किस लिए? मुझे नौकरी मिल गई, माँ मुझे नौकरी मिल गई। बेटा तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान किस बात का माँ जी, ये तो इनकी काबिलियत का नतीजा है। वो लोग इसे डाक से भेजने वाले थे, मैंने प्रिंसिपल साहब से दरखास्त की कि मैं इसे खुद पहुँचा दूंगा। सर आपको कैसे पता चला कि वो लोग डाक से भेजने वाले हैं? क्योंकि मैं वहां हर रोज जाया करता था। आप क्यों जाया करते थे? फैक्ट्री
your daughter, Flo. Daughter, daughter. Hello. Mm-hmm. Good morning to you, beautiful. Very good morning. Daughter, Vicky बहुत अच्छा लगा है. मेरे लिए imported tash, imported pipe, imported tobacco लेकर आया. आपका imported कैसा है? जी? Transistor. Oh, really? It is an unforgettable present for me. सुनिए. आज तक मैंने अपनी शादी के बारे में कभी सीरियसली नहीं सोचा. मेरे माँ बाप, रिश्तेदार और मेरे कुछ दोस्त भी मुझे मजबूर कर चुके हैं, मगर मैंने हमेशा यही सोचा कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो अपने परिवार की तरफ जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं उन्हें निभा नहीं सकूंगा. मगर आपसे मिलने के बाद शादी के लिए जो मेरे ख्याल हैं कुछ बदल गए हैं. मेरी और आपकी जिम्मेदारियां भी एक जैसी हैं. हम दोनों एक ही नाव के मुसाफिर हैं. हम एक दूसरे की मुश्किलों को समझ सकते हैं. क्यों ना हम शादी कर लें? हमारी शादी हमें अपने अपने फर्ज के रास्ते से नहीं हटाएगी. अगर आपको मेरी बात पसंद ना आई हो तो आप ना कह सकती हैं. जिन हालात में मैं हूं मेरी पसंद ना पसंद का सवाल ही कहां उठता है. मतलब जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है. अगर मुझे अपने कर्तव्य में सफल होना है तो मुझे अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें, अपनी पसंद, इन सब चीजों का त्याग करना होगा. आपका मतलब है कि हमारी शादी आपकी जिम्मेदारियों के रास्ते में एक दीवार बन जाएगी? जी. अगर हमारी शादी मेरे फर्ज के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकती तो आपके लिए कोई रुकावट कैसे बन सकती है? आप मर्द हैं, मैं औरत हूं. मैं समझा नहीं. मर्द अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की देखभाल करे, ये उसका फर्ज समझा जाता है. लेकिन औरत के लिए मायके की देखभाल करना तो क्या, मायके की तरफ पलट के देखना भी मुश्किल हो जाता है. आप ठीक कहती हैं, मगर हम दोनों पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे की मजबूरियों को, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह जानते हैं. जब दो इंसानों की मंजिल एक है, क्या वो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता एक साथ नहीं तय कर सकते? आप ही कमाती हैं, मैं भी कमाता हूं. आप अपनी तनख्वाह से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कीजिए, मैं अपनी तनख्वाह से अपने परिवार की देखभाल करूंगा. मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए. लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मेरी शादी होगी तो आप ही से होगी. मैं पूछती हूँ, हमारे इजाजत के बिना वो शादी कैसे कर सकता है? अरे भाग्यवान, भगवान का शुक्र कर जो शादी के लिए तैयार तो हुआ. पहले तो वो शादी का नाम सुनते ही कानों पर हाथ रख लेता था. अरे तूने आनाकानी की तो फिर ना कर देगा. अकलबंदी इसी में है कि अपना मुंह बंद रख, सिर्फ उसी वक्त खोल जब खाना खाना हो. मैं तुझसे पूछ रही हूं, क्या तू सच में शादी नहीं करना चाहती? नहीं मधु, बेटी मेरी आंखों में आंखें डाल के देख और फिर बात कर. तुझे मेरी कसम बेटी, सच सच बता दे, क्या वाकई तेरे मन में ब्याह की चाह नहीं है? जवाब दे. भैया क्या कह रहे थे? लड़कियों वाले बेटे को 20-25 हजार दहेज में देने के लिए तैयार हैं। वो भटंगारे वाले लड़के क्या लाएंगे इस घर में? ढालकी और बाजा, जब तुम्हारी बेटी शारदा की शादी होगी तब कहाँ से लाओगे दहेज?
बेटी हम लोगों की खातिर तू अपने अरमानों का उमंगों का गला घोट रही है, अपने जीवन की बलि दे रही है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैंने जिस काम का बीड़ा उठाया है, जब वो पूरा हो जाएगा तो शादी कर लूंगी। नौकरी करने वाली लड़की जो होती है ना, कमाने वाली लड़की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है। बेटी तू जो करना चाहती है उससे तुझे कौन रोकता है? रामनाथ ने तुझे साफ कह दिया है कि तू अपनी तनख्वाह से हमारा खर्चा चला सकती है, और क्या चाहिए तुझे? वो तेरी मजबूरियों को समझता है, दहेज भी नहीं मांग रहा। बेटी तेरी शादी हो जाए तो सुंदर और शंकर का भी कोई आसरा हो जाएगा। नौकरी के लिए तूने कहां कहां धक्के नहीं खाए, आखिर उसकी मदद से तुझे नौकरी मिली ना। कल हो सकता है सुंदर और शंकर को भी किसी मदद की जरूरत आ पड़े, तो उनका हाथ पकड़ने वाला तो होगा। भगवान ने तुझे अच्छा मौका दिया है बेटी, तू मेरी बात मान और शादी के लिए हाँ कह दे। पहले तुम ये बताओ, इतने रोज तक कहाँ घूमते? मैंने तुम्हें भैया की शादी का कार्ड भी भेजा मगर तुम नहीं आए। ओह डार्लिंग, बिजनेस के सिलसिले में मुझको सडनली रोम जाना पड़ा। रोम? या ओह क्या लड़कियां थी उधर, फैंटास्टिक। ओह पागल कर दिया उन लड़कियों। तुम मुझसे बात मत करो। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? तुम जाओ उन लड़कियों के पास। ओह बट डार्लिंग व्हाट हैपेंड? तुम जाओ उन लड़कियों के पास। ओह स्वीटहार्ट डोंट ब्रेक माय हार्ट। मैं उन लड़कियों को देखकर पागल इसलिए हुआ था कि हर लड़की में मुझे तुम दिखाई देती थी। Only you, because I love you. सच? बिल्कुल सच। तुम मेरी हेमा मालिनी हो। पहले ये बताओ, तुम मुझसे शादी कब करोगी? शादी? शादी फिक्स करना बड़ों का काम है, हमारा काम है प्यार करना। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें डार्लिंग। चुप चुप चुप, बैठो, तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं रानी जी, माजी हम लोग जरा जल्दी। हाँ माँ, फिर आएंगे कभी, लेकिन ये तनख्वाह नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रख लीजिए ना माजी। माजी माजी मेरी भी ये इच्छा है। पिछले जन्म में मैंने बड़ी पुण्य किए होंगे जो तुम जैसा जवाई मुझे मिला। क्यों जी, जब से राम की शादी हुई है उसका रंग कुछ बदला बदला दिखाई देता है। पहले तो घर की हर चीज में ध्यान रखता था, अब उसे फुर्सत ही नहीं, जब देखो तब बहू के पीछे चक्कर लगाता रहता है। अरे भूल गई अपने दिन, हम भी तो तुम्हारे पीछे चक्कर लगाया करते थे, ये तो हमारी खानदानी शान है। खानदानी शान है सिर्फ चक्कर लगाने के लिए? मेरे माँ बाप ने इतना ढेर सारा दहेज दिया था, ये क्या लाई है पत्थर, घर में तो तनख्वाह तक नहीं देती। माँ मैंने शादी मधु से की है, उसकी तनख्वाह से नहीं। मैंने ही मधु को इजाजत दी थी कि वो अपनी तनख्वाह अपनी माँ को दे दिया करे, और फिर हमें उसकी तनख्वाह की क्या जरूरत है? इस घर की जरूरतें पूरी करना मेरा फर्ज है, तुम चिंता क्यों करती हो? अरे चिंता कैसे न करूं, मीरू माँ बनने वाली है, उसकी पहली जिलेबी है, घर में उसका लाना बहुत जरूरी है। तो ठीक है ले आता हूँ। आओ नीरू। माँ माँ नीरू आ गई। कैसे है? ठीक हूँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तू दीदी कैसे है रे तू? नमस्ते पिताजी। कैसे हमारे जवाई राजा? डॉक्टर ने कहा है नीरू की डिलीवरी 4-5 दिन में हो जाएगी, दवाइयों की लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी है। खैर वो तो मैं ले आऊंगा, तुम अगर 5-7 दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो तो नीरू की देखभाल कर सकोगी। ठीक है ले लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आज से 7-8 महीने बाद नीरू को 4-5 दिन मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। क्या मतलब? नहीं समझे? आप बाप बनने वाले हैं। सच? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अचानक तुमने खबर सुनाई ना, इसलिए बधाई हो। सूखी बधाई से काम नहीं चलेगा, ऑफिस से लौटते वक्त मिठाई लेके आइएगा। ले आऊंगा। जब रुपए कम पड़ते हैं तू मेरे पास ही आता है,
पिछले कर्जे में से अभी 500 रुपए तुझ पे बाकी हैं। मेरे घर में कोई टकसाल थोड़े लगी है। देखो गोविंद, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मेरी बहन की डिलीवरी होने वाली है और डॉक्टर ने कुछ जरूरी दवाई लाने को कहा है। ठीक है ठीक है, ये सारी रकम जल्दी लौटा देना, मैं भी तुम्हारी तरह ऑफिस में काम करता हूँ। अरे ले आए मिठाई, बोलो ना कहाँ है मिठाई? मुझे क्या हुआ? माफ कर देना मुझे। ये क्या है मधु? पेड़ सबको फल देता है, मगर खुद कभी उन फलों का मजा नहीं लेता। हमारी हालत भी कुछ ऐसी है। हमारा फर्ज दूसरों को खुशी देना है। अपनी खुशी के बारे में सोचने का हमें अभी अधिकार नहीं। ऐसी हालत में बच्चा पैदा होना अपने बच्चे पर जुल्म ढाने वाली बात होगी। इससे बेहतर है बच्चा पैदा ही ना हो। ये क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं मधु के जो मैं कर रहा हूं वो बहुत बड़ा पाप है। औलाद किसे नहीं चाहिए, मगर कोई चारा ही नहीं है। आमदनी कम, खर्च ज्यादा, और फिर जिम्मेदारियों का बोझ बाकी है। शारदा के ब्याह के बारे में सोचना है, तुम्हें सुंदर और शंकर को अच्छी तालीम दिलवानी है, और जब तक ये सब काम पूरे नहीं हो जाते अपनी जिंदगी के मालिक हम नहीं हैं। हमें इंतजार करना होगा मधु, और इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मौसी के पास जाएगा? नहीं, किसके पास जाएगा? मामा के पास जाएगा, मामी के पास जाएगा, पापा के पास जाएगा। मेरा चंदा पापा के पास जाएगा, जाएगा मेरा चंदा पापा के पास। ओली 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 ओली। मधु, रोने और परेशान होने से हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, जो हो रहा है वो भी होकर ही रहेगा। कल क्या होने वाला है हमें कुछ भी तो नहीं मालूम। लगता तो जरूर है कि हर चीज हमारे हाथ में है, मगर असल में हमारे हाथ में कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। मन को शांत करो और अपने आप को संभालो प्लीज। यही जिंदगी है।
छोड़ो दी। ओ क्यों क्यों डार्लिंग? पहले शादी। ओ डियर डार्लिंग, ये फिर वही पुराना पागलपन। मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूँ। प्यार मैं करूँगा, पसंद मैं करूँगा, प्यार मैं करूँगा, पसंद मैं करूँगा, मगर शादी होगी शादी डैडी की इजाजत से। प्यार हो किसी का और फैसला किसी का, प्यार हो किसी का और फैसला किसी का, ना जी ना जी बाज आई मैं तो ऐसी मोहब्बत से। हो प्यार मैं करूँगा, पसंद मैं करूँगा। परमिट पर मुझी से ले शादी का परमिट, पर मुझी से ले शादी का परमिट। राजा ने किसी इजाजत ली थी, मजनू ने किसकी नसीहत ली थी? तभी तो बेचारे वो रह गए कंवारे, तभी तो बेचारे वो रह गए कंवारे। मुझको हमदर्दी उन लोगों की हालत से। ना जी ना जी बाज आई मैं तो ऐसी मोहब्बत से। हो प्यार मैं करूँगा, पसंद मैं करूँगा। जवाई को रोता डैडी ना होते तो मैं भी ना होता, बाप तुम्हारा जवाई को रोता। ब्याह ना सगाई बनने लगे जवाई, ब्याह ना सगाई बनने लगे जवाई, शादी तक दिल रखो मुट्ठी में शराफत से। ओ मगर शादी होगी शादी डैडी की इजाजत से। ओ, प्यार हो किसी का और फैसला किसी का, ना जी ना जी बाज आई मैं तो ऐसी मोहब्बत से। ए मगर शादी होगी शादी डैडी की इजाजत से। ओ ना जी ना जी, ओ हाँ जी हाँ जी डैडी की इजाजत से। अब कैसी तबीयत है मधु? काफी कमजोर लग रही हो। नहीं अब ठीक हूँ। मैं अपनी कार में तुम्हें घर छोड़ दूँ? नो थैंक यू, मेरे पति आए हुए हैं लेने के लिए। अच्छा थैंक यू, चलो बाहर चलते हैं। बहुत थक गई हूँ आज, इसलिए तो कह रहा हूँ बाहर चलते हैं, तुम्हारा जी बहल जाएगा। दिल में चुभे वो तीर हो तुम, चाहत की तकदीर हो तुम। दिल में चुभे वो तीर हो तुम, चाहत की तकदीर हो तुम। कौन ना होगा तुम पे दीवाना, प्यार भरी तस्वीर हो तुम।
निकला न करो तुम राहों पर, जरों की नजर ना लगे चश्मे बदबू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदबू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदबू। प्यारी सूरत को ओके हटो ओ चश्मे बदबू। चलो आइसक्रीम खाएं। ओह नो, डुएट आइसक्रीम। ये शर्म भाभी, ये कि मैं क्या करें आप यहाँ सब लोगों के साथ, लेकिन इतनी बेशर्मी। शारदा इधर आओ। जी भैया। कहाँ से आ रही हो? कॉलेज से। तेरा कॉलेज रात तक खुला रहता है? वो क्या है भैया, आजकल स्पेशल क्लासेस चल रही है ना। बकवास मत करो, बोल कहाँ से आ रही है तू? सीधी तरह बोल कहाँ से आ रही है, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। शारदा ये क्या सुने आप? तुम बीच में मत आवाज़ दो, छोड़ मुझे। शारदा तू जा यहाँ से, माजी ने बुलाया। अगर तू यहाँ से हिली तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। शारदा माजी ने बुलाया, शारदा तू जा। मधु आप शोर मचा मचा कर पूरे घर को यहाँ इकट्ठा करना चाहते हैं, सारे मोहल्ले को सुनाना चाहते हैं क्या? ये बातें सुनकर माजी और पिताजी को तकलीफ नहीं होगी? धीरज से काम लीजिए, आराम से बैठ के सोचिए, उसे डांटने या मारने से बात हल हो जाएगी क्या? बड़ों की बड़ाई इसी में है कि छोटों की गलतियों को दरगुजर कर दे, तभी छोटों पे बड़ों का रोब रहता है। वो हमारी नाक कटवा रही है और तुम चाहते हो चुप बैठा देखता रहूं। आखिर हुआ क्या? यही ना कि वो एक लड़के के साथ घूम रही थी। तुम इसे मामूली बात समझती हो? दुनिया इतनी गंदगी उछालेगी कि हम लोगों के लिए डूब मरने की बात होगी। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे, उस दिन मुझे नौकरी दिलवाने के लिए आप खुद एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आए थे और आपने ही भरा था, फिर इंटरव्यू वाले दिन घंटा भर धूप में मेरा इंतजार करते रहे और फिर अपने स्कूटर पे घर तक छोड़ा था। उस पर किसी ने कुछ कहा था क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। हम लोगों की बात कुछ और थी। कैसे कुछ और थी? हम एक दूसरे को पसंद करते थे, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हो सकता है शारदा भी शादी करना चाहती हो, आप उसकी शादी करवा दीजिए ना। शादी करवा दीजिए ना, शारदा चाहती है, क्या वो लड़का चाहता है, उसका बाप चाहता है? लेकिन उसके लिए पूछ सकते ना, कौन सा पहाड़ तोड़ने वाली बात है, वो लड़का श्याम जीजा जी का दोस्त है, उनसे सलाह मशवरा करके लड़के से भी बात कर लीजिए, लड़के के पिताजी से भी। जब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, मैं बिजनेसमैन हूं, लड़के की तालीम पर मैंने 20,000 रुपया खर्च किया है, उसका सूद बनता है 10,000, यानी कुल मिला के 30,000 रुपए। तुम लोग विकी के दोस्त हो इसलिए सूद छोड़ दिया, लेकिन असल तो मिलना चाहिए, तुम्हें दहेज में 20,000 रुपए जरूर देने पड़ेंगे। माँ इतने बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ना हमारे बस का रोग नहीं है। हाँ हाँ, मेरा ब्याह तो एक रोग है, मैं तो कहती हूँ मेरी सारी जिंदगी एक रोग है, कहीं से मुझे थोड़ा सा जहर ला दीजिए, ये रोग भी खत्म हो जाएगा और आप सब लोग सुखी। शारदा आप बक रही हैं? शारदा हाँ हाँ, मैं तो बक रही हूँ, तुम तो भैया का ही साथ दोगी क्योंकि भैया ने तुम्हें अच्छा पति जो ले दिया है, एमए वाला। तुम ही भैया की बहन हो, मैं कौन होती हूँ? बड़ी शान से कहा करते थे, जब तक मैं अपनी बहनों का ब्याह नहीं करूंगा शादी नहीं करूंगा, और मुझे कहा करते थे शारदा तुम्हारी शादी तो किसी कलेक्टर के साथ कराऊंगा। आखिर हुआ क्या, कहीं से वो दिखाई दे गई, उसने ऐसा जादू डाला कि बस अपनी शादी करके आंखें मूंद कर बैठ गए। मैं इसी दिन को रोती थी, मगर तुम बाप बेटे ने मेरी एक भी नहीं मानी। मेरा भाई भी बड़े रिश्ते लाया था, लड़कियों वाले 25,000 या 50,000 देने के लिए तैयार थे, मगर उस समय तुम्हारे समझ पर पत्थर पड़े थे पत्थर। शादी भी की तो ऐसी लड़की से जो एक खोटा रुपया न ला सकी, अब बैठे भजन गा रहे हैं बहन के दहेज के लिए रुपया कहाँ से लाऊं, रुपया कहाँ से लाऊं, अब बाप बेटे मिलकर ढोलकी बजाओ ढोलकी। तुम्हारा मतलब है माँ तुम्हें शारदा के दहेज का बंदोबस्त इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने मधु से शादी की है? मैं किसी से भी शादी करता, मैं इतना कमीना नहीं हूं कि उन लोगों से शादी के लिए रिश्वत लेता। तुम लोग शारदा की शादी के बाद मुझ पर छोड़ दो, मैं शारदा का दुश्मन नहीं बड़ा भाई हूं,
हाँ थोड़ा वक्त जरूर लग जाएगा, लेकिन मैं इसके लिए जो भी लड़का चुनूंगा अच्छा चुनूंगा और अपनी हैसियत के मुताबिक शादी ठीक से करूंगा। मेरी शादी विक्की से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शारदा ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही है तू? ये सब मिलकर मुझे अंधे कुएं में धक्का देना चाहते हैं, इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी जान ले लूं। शारदा तेरा ब्याह विक्की से ही होगा, तू दहेज की फिक्र मत कर, इसका जिम्मा मैं लेती हूँ। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम सब मिलकर मेरी जान ले लो, सबके दिल में ठंडक पड़ जाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? फिर और क्या कहूं मैं? शांति से काम दीजिए, मेरी बात सुनिए। मेरे कान पक गए सुन सुन के। घर चलाने के लिए, सबको सुखी रखने के लिए, सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है मुझे, क्या क्या जिल्लतें नहीं सहनी पड़ती है मुझे, कभी किसी को जरा सा भी ख्याल है? वो कहती है वो मर जाएगी, तुम कहती हो तुम जान दे दोगी। अगर सारा खानदानी मरने पर तुला है तो मेरे जिंदा रहने की क्या जरूरत है? जब आंधी आती है तो पेड़ के फल फूल और पत्ते गिर जाते हैं, शाखें डर से कांपने लगती हैं, लेकिन पेड़ डट के आंधी का मुकाबला करता है, अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। अगर पेड़ भी उन कमजोर शाखों की तरह कांपने लगे तो अपनी जगह से गिर जाता है। घर का सारा बोझ आप पर है, आप ही वो पेड़ हैं जो कमजोर शाखों को अपने कंधे पे उठाए हुए हैं, अगर आप घबरा जाएंगे तो उन सबका क्या होगा? जब शाखें ही पेड़ को तमाचे मारने लगे तो पेड़ क्या करेगा? पेड़ वो भी सह लेता है क्योंकि वो पेड़ है, अपनापन कभी नहीं छोड़ता। ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती मधु, जरा इतना भी तो सोचो तुम, 20,000 रुपए चाहिए दहेज के लिए, कम से कम 10-15,000 रुपए चाहिए शादी पर, इतना रुपया आएगा कहाँ से? आप ऐसा क्यों सोचते हैं, इतना पैसा आएगा कहाँ से? ऐसा क्यों नहीं सोचते पैसा आएगा कैसे नहीं? कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है, आप कमाते हैं मैं कमाती हूँ, फिर मेरा अपना घर है, उसे गिरवी रख के 15-20,000 रुपया मिल सकता है। कुछ रुपया आप दोस्तों से उधार ले सकते हैं, कुछ रकम मैं इकट्ठी कर सकती हूँ, फिर भी कम पड़े तो आपका स्कूटर गिरवी रख सकते हैं। इतना कर्ज हम चुकाएंगे कैसे? जैसे जैसे जिम्मेदारियां कम होती जाएंगी कर्ज चुकाते जाएंगे, उसके लिए बहुत वक्त है हमारे पास, लेकिन इस वक्त शारदा की सारी जिंदगी का सवाल है, उसकी खुशी का सवाल है, उसके लिए अगर थोड़ी सी तकलीफ सहनी पड़ी तो हम सह लेंगे। अरे यार रामनाथ, माफ करना प्यारे, कल मैं आ नहीं सका। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बधाई तो ले ले, सुना बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की। हाँ मगर 30,000 रुपए खर्च हो गए। अरे हो गए तो क्या हुआ यार, 50 लाख वाला बहन हुई तो मिल गया। हाँ कम से कम मेरी बहन तो सुखी रहेगी। तेरा मतलब तू बहुत दुखी है, ये तेरी गंदी आदत है, हर वक्त गरीबी का रोना रोता है। और क्या करूं यार, हाथ पल्ले ठन ठन गोपाल। अरे चल हट, तू कमाता है तेरी बीवी कमाती है। हाँ बीवी कमाती जरूर है, मगर मैं उसकी कमाई में से एक पैसा भी नहीं लेता। क्यों भाई? उसकी तनख्वाह उसके मैके जाती है। सच? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे कमाल है, आज पहली बार हमने एक पत्नी बता पति देखा है, तो पत्नी की तनख्वाह को हाथ नहीं लगाता। मुबारक हो पति जी, आपका तो भगवान ही मालिक है। बादशाह हो गए, अपनी तो हो गई, गिनो। फिर क्या फुलाने? फुलाने 2 रुपए और पहले के 9 रुपए 40 पैसे। अरे आ जाएंगे, अरे कैसे आ जाएंगे भाई, तुम जीतते हो तो नगर मांगते हो और हम जीते तो उधार करते हो। भैया महीने का आखिर है ना। अरे तुम्हें आखिर और शुरू से क्या, हमारा तो बेटा भी कमाता है, बहू भी कमाती है। तो ये हिसाब है, खाने चने बिकार बदाम के। क्यों क्यों भाभी? अरे भैया तुमसे क्या छिपाऊं, इस घर का खर्च सिर्फ राम की तनख्वाह पर चलता है। और बहू? बहू? अरे वो तो महारानी है, महारानी। इस घर में बहू बनकर नहीं आई, मेहमान बनकर आई है। खाना पीना कपड़ा लगता सब यहाँ से, और वो जो कमाती है अपनी माँ को दे आती है। अच्छा मैं यही सोचता था कि राम की शादी में दहेज इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहू कमाती है और वो हर महीने की तनख्वाह तुम्हारे हाथ में रखेगी। सोचा तो यही था इस महापुरुष ने, हजारों और लाखों की बात करते थे। सोचा तो मैंने भी था, लेकिन राम ने उसे इजाजत दे दी। अब मैं राम को डांटूं, दूध पीता बच्चा तो है नहीं, हमारा अन्नदाता तो वही है। देखो भैया, महीने की 20 तक अन्नदाता पे घर चलता है, उसके बाद दाता की मेहरबानी पर घर का इतना किराया देना पड़ता है और खाने वाले इतने लोग, उधर बहू के घर में एक वो बुढ़िया है और वो दो छोटे छोटे बच्चे। ये सुना है भैया, वो बुढ़िया है ना, प्याज पे रुपया देती है,
यहाँ कितनी मुसीबतें हैं, कितनी तकलीफें हैं, इसकी चिंता तो बहू को है ही नहीं। बस उसे तो सिर्फ एक ही फिक्र रहती है कि कब तनख्वाह मिले और वो ले जाके अपनी माँ के हाथ में रखे। रामनाथ को इसी तरह समझाना चाहिए, औरत तो मोम की नाक, जिस तरफ मोड़ो मुड़ जाती है, सिर्फ मोड़ने वाला चाहिए। बहुत अच्छे। क्या पानी में पत्थर फेंकने के लिए आप मुझे इतनी दूर लेकर आए हैं? मधु, मैंने पानी में कितने पत्थर फेंके लेकिन उनमें से एक भी ऊपर नहीं आया। पत्थर पानी पे कैसे तैरेगा? कैसे तैरेगा जानती हो क्यों? क्योंकि पत्थर का बोझ ज्यादा होता है। बोझ ज्यादा होने से हर चीज डूब जाती है। इन पत्थरों की तरह एक दिन हम भी डूब जाएंगे। भगवान न करे, हम पर ऐसा कौन सा बोझ है? अपने कर्जों का बोझ। आप चिंता क्यों करते हैं, कर्ज तो अदा हो जाएगा। मगर कैसे मधु, मुझे जो तनख्वाह मिलती है वो कर्जों का सूद चुकाने में निकल जाती है। तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे परिवार में खप जाती है, कर्जों की रकम वहीं की वहीं खड़ी है। तुम अगर मुझे गलत ना समझो तो एक बात कहूं, एक ही शहर में हमारे दो घर हैं, तुम्हारे लोग अलग रहते हैं, मेरे लोग अलग रहते हैं, दो चूल्हे चलते हैं, दो घरों में खाना बनता है, इसमें कितना फजूल खर्च होता है। अगर हमारे परिवार एक होकर एक साथ रह सके, इसमें हमारी कुछ बचत हो सकती है। तुम अपना घर भी किराए पर दे सकती हो, जिससे हमें 150-200 रुपया महीना किराया मिल सकता है। इस तरह हम कुछ बचा सकते हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आप जो कह रहे हैं ठीक ही तो है, मैं आज ही माँ से बात करती हूँ। क्या हुआ बहन जी? अरे बहन आ गए, बड़ा अच्छा किया। सुना तुमने, ये मुझे कहती है मैं अपने ही घर में चोरी से खाती पीती हूँ। और नहीं तो क्या, दूध की मलाई सारी कौन चेक कर जाता है? ऊपर से बो मारती है कि दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, इसलिए मलाई नहीं आती। बहू ने ओवल्टिन का डिब्बा लाके रखा था, आते जाते फंकी कौन मार रहा था? बंद कर, ये मेरा घर है, जो चाहे मैं करूंगी। घर की मालकिन तुम्हारी तरह चोर नहीं होती। ज्यादा बकेगी ना तो जुबान छीन। शांत हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे तेरे जैसी नौकरानी नहीं चाहिए। चुप हो जाओ, अब मैं समझ गई तो मुझे घर से निकालने पे क्यों तुले हुई हो। ये मेम साहब जो आ गई है ना, नौकरानी की तनख्वाह बचाने के लिए ये आपसे काम लेगी। राम 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 राम। सुनो बहन, ये मुंबई नौकर भी मुझे इज्जत नहीं देते। ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ ना, कुछ काम नहीं कर सकते। नौकरों को मुंह नहीं लगाना चाहिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। नहीं नहीं, तुम मेरी समझन हो, इस घर में रहने आई हो, भला घर का काम तुम्हें कैसे दे सकती? मैं अपने घर में काम नहीं करती थी क्या? हम लोग यही रहने के लिए आ गए हैं तो ये घर हमारा नहीं है? वाह वाह बहन, तुम्हारा दिल तो दया का भंडार है, भंडार। आप आराम कीजिए, जाइए। तुम कैसे आराम करना ही होगा। ए, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। अरे पढ़ाई बाद में हो जाएगी, पहले इधर आओ। चलो चलो इधर आओ, बैठो बैठो बैठो। आयो। सर, कल हमारा इम्तिहान है। काय का इम्तिहान? हमें तैयारी करनी है। काय की? मैथमेटिक्स की। अरे मैथमेटिक्स तो सारा इन ताश के पत्तों में है। हमें नहीं आता सर। अरे मैं सिखा दूंगा। दीदी नाराज हो जाएंगी। ए चुटके, तू कहाँ चला? इधर आ, इधर आ, इधर आ। चलो प्रॉब्लम बताते हैं। शाबाश। अबे पिल्ले इधर आ, हाथ उठा। देखिए सर, मैं कोई पिल्ला विल्ला नहीं,
आपकी तरह एक इंसान हूँ और मेरा नाम है शंकर। मुझे शंकर कहकर पुकारिए। अरे वाह, बात तो ऐसे करता है जैसे किसी डिप्टी कलेक्टर का बेटा हो। देखिए सर, आप मुझे इज्जत से पुकारेंगे तो मैं भी आपको इज्जत दूंगा। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अरे हाँ, किसे दिखाता है, है? तू चीज क्या है? एक मामूली नौकरानी का बेटा ही तो है ना। मगर बहू ने इसे ऐसे सर पर चढ़ा रखा है जैसे ये नौकरानी का बेटा नहीं किसी लाट साहब का है। ऐसा न कहिए माँ जी। अब तू इसकी मदद कर रहा है, चल बैठ, बैठ उधर। क्यों रे, सारा दिन इतना खाना खाता है, जरा सा काम करते हुए तेरे हाथ टूटते हैं। खाना तो आप भी खाती हैं, वो भी असली घी का। आप क्या करती है हा? क्या बात है मधु? हाँ, कुछ नहीं। कुछ तो है। वो तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो छुट्टी ले लो ना आज। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। सुनिए, ऑफिस से लौटते वक्त मेरे लिए वो गोलियां ले आइएगा। कौन सी गोलियां? वही जो पहले भी आप लाए थे। मधु, उन गोलियों की फिर से जरूरत आ पड़ी। मुझे शर्मिंदा मत कर मधु। उस दिन मैंने हालात से घबरा कर बहुत बड़ी भूल की, मगर अब मैं वो गलती कभी नहीं करूंगा। मैं फिर से अपने बच्चे का कातिल नहीं बनूंगा। अपने बच्चे की खातिर मैं हालात का मुकाबला करूंगा। उस दिन जो मुझसे हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो मधु, मुझे माफ कर दो। ओ शंका, आज क्या सुबह सुबह मुर्गे की तरह बांग दे रहे हो? अरे कुछ पता भी चला क्या? हमारी शारदा बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हें किसने कहा? अरे मैं ताश खेलने के लिए किसी महापुरुष को ढूंढते ढूंढते विक्की घर पहुंच गया। वहां पता चला उनके घर में एक महापुरुष पैदा होने वाला है। अरे वाह, कितनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने। लड्डू खिला, लड्डू अभी खिलाती हूँ। माँ, माँ आज तुम्हें मैं लड्डू खिलाऊंगा। अरे तुझे कैसे खबर मिली? माँ वो मधु है ना। जाओ मधु को। माँ तुम दादी बनने वाली हो। अरे हमारी शारदा भी माँ बनने वाली है। अच्छा हाँ मधु। अच्छा, देखो देखो जाकर जल्दी से शारदा को कहना कि घर में ज्यादा काम न करे, वजन न उठाए और इन दिनों में पूरा आराम है। जल्दी से जाओ जल्दी। दो लड्डू ले दो। शरारती कहीं क्या? माँ में ये हलवा इंसानों के खाने के काबिल है। क्यों बेटी, पहले तो तू बड़े मजे से खाया करती थी। हाँ खा लिया करती थी क्योंकि और कुछ मिलता ही नहीं था। माँ में हलवा कम से कम बादाम पिस्ता डालकर जैसे घी में तो बनाया होता। ऐसे बात तो नहीं कि खरीद नहीं सकते। भैया कमाते हैं, भाभी कमाती है, मैंने इसे थोड़ा सा चख भी लिया। कहीं होती मेरी ननन जी तो इसे सूंघकर ये प्लेट कुत्तों के आगे रख देती। पता है मम्मी, वहाँ के कुत्ते भी नहीं खाते अगर उन्हें चीज पसंद ना हो, क्योंकि वहाँ के कुत्ते इम्पोर्टेड है ना। इम्पोर्टेड है ना, उन कुत्तों को शुरू से अच्छा खाने की आदत पड़ी है। ये ले शारदा। ये क्या हाय? आओ उठी, नयो नयो नयो, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? चाय पीने से बच्चे का रंग काला हो जाता है। मेरी ननन जी कहती है कि मैं सिर्फ सेबों का ही रस पिया करूं। बढ़िया है, ननन 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 की बातें रहती है। मामे, तुमने मेरी शादी में जो मेरी ननन जी को साड़ियां दी थी वो बिल्कुल झाली की तरह धागा धागा थी। अच्छा। उन्होंने साड़ी उठाकर नौकरानी को दे दी। मामी, जब मेरी गोधराई की रस्म करोगी तो मेरी ननन जी को भारी वाली साड़ी लेकर देना। ये अनफॉर्चुनेट, नहीं तो उस घर में मेरी क्या इज्जत रहेगी। मेरी गोधराई की रस्म क्या करोगी मम्मी? अभी सोचा नहीं बेटी, राम आएगा तो पूछ के बताऊ। इसमें पूछने की क्या बात है, करोगी या नहीं? इसमें नाराज होने की क्या बात है, जरूर करनी है।
मगर ऐसी वैसी नहीं, बड़े शानदार तरीके से होनी चाहिए, जैसे मेरे ससुराल में मेरी ननन जी की हुई थी। झूठ मूठ दिखावे के लिए करनी है तो फिर कोई जरूरत नहीं। हाँ लो भैया भी आ गए, पूछ लो। अरे शारदा, कब आई तू? थोड़ी ही देर हुई। कैसी है? फर्स्ट क्लास, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे रोज देखने के लिए लेडी डॉक्टर आती है, मेरे लिए स्पेशल अंगूर मंगवाए जाते हैं बॉम्बे से, यू नो। सचमुच मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला। उस रोज तो तुम शादी के लिए राजी ही नहीं थे। अगर मेरी उनसे शादी ना हुई होती तो मेरी जिंदगी क्या होती? अब तो तू खुश है ना? मैं भी खुश हूँ। बेटा, पंडित से मिलके मुहूर्त निकलवाओ। किस बात का माँ? अरे शारदा की गोद भराई की रस्म नहीं करनी? माँ, वो नीरू की गोद भराई की रस्म तो नहीं की थी? बेटे, शारदा बड़े घर की बहू है। मगर पिताजी, आपको तो सब कुछ मालूम है। हाँ हाँ, जब मेरी बात आती है तो भैया रोना समूह बनाकर बैठ जाते हैं। और घरों में भाई बहनों के लिए क्या क्या नहीं करते, मगर यहाँ तो मेरा कोई है ही नहीं। मेरी ननन जी ने तो पहले ही कहा था, अरे क्या तेरे मैके वाले गोद भराई की रस्म करेंगे। भैया और भाभी दोनों कमाते हैं, मगर पता नहीं कहाँ छुपा कर रखते हैं। हमें किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है, और बचाने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो इस उलझन में पड़े हैं कि जो कर्ज तुम्हारी शादी के लिए लिए थे वो कैसे उतरेंगे, कब उतरेंगे। हाँ हाँ, जैसे मेरा ब्याह करके तुम दिवालिया हो गए हो। ठीक है, जब भाई को इस बात की खुशी ही नहीं कि बहन की गोद भरे, तो मुझे इस अवसर की कोई जरूरत नहीं। मैं साफ साफ कह देती हूँ, आज से ना मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी, ना तुम लोग मेरे यहाँ आना। कल तक तो बच्ची थी, अब माँ बनने वाली है। अभी बच्चों की तरह बात बात से बिगड़ती रहेगी? अपने भैया से क्यों झगड़ा करती है? मैं तेरी गोद भराई की रस्म पूरी करूंगी। मगर फटी चथोरी कैसे नहीं करना है, जरा धूमधाम से करना। जरूर। अरे हम लोगों को कार लेने आई है। हाँ? शारदा डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई। अरे हमारे लिए कार आई है। अच्छा, अबे, अरे हमारे लिए कार आई है। कार? देखो ऐसे करना, हम लोग अभी शारदा को देखने हॉस्पिटल जा रहे हैं। तुम घर का ख्याल रखना। दरवाजा अंदर बंद कर लेना। हाँ, मैं भी आता हूँ। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, क्या हुआ? आइए ना। क्या बात है, जल्दी आइए। माँ, क्या नितिन? लेकिन क्यों? कह दिया ना, बाद में बताऊंगी।
अपने जीजा जी के ऑफिस में जाना, कह देना जल्दी घर आ जाए। हाँ, मैं जाता जाओ, जाओ जल्दी जाओ। सुनिए जी, मिस्टर रामनाथ कहाँ मिलेंगे? अभी अभी अस्पताल गए अपनी बहन को देखने के लिए। सुंदर, क्या है माँ? तू मामा बन गया। सच? चल अंदर चल देख। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, क्या हुआ? वो ऑफिस में नहीं है, शारदा आंटी को देखने हॉस्पिटल गए हैं। अच्छा, आ जाएंगे, चल तू अंदर चल। पार्वती बहन आई थी, अरे जल्दी से दरवाजा खोलो ना। अरे बहन, मेरी बेटी शारदा को बेटा हुआ है। बेटा? और मधु ने लड़के को जन्म दिया है। क्या? मधु ने लड़की हुई है? अरे बहन जी, मेरा दोहता तो महाराजा लगता है। और आपकी पोती बिल्कुल महारानी जैसी लगती है। अरे क्या बताऊं, मेरा जो दोहता है उसका रंग बिल्कुल फूल जैसा है। और आपकी पोती बिल्कुल चांद जैसा मुखड़ा है। अरे क्या बताऊं, बिल्कुल मेरे दामाद जैसी लगती है। परी जैसी लगती है आपकी पोती। लगता है अभी से पोती के साथ ताश खेलेंगे। देखो ना, बोले नहीं। मैं तो उसे सौंपूंगी जो इसके मन
ब्याह के मन सुख पाएगा। पास हो गया सच? फर्स्ट क्लास। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। दीदी तुमने मुझसे वादा किया था फर्स्ट क्लास आएगी तो तुम मुझे MBBS में दाखिल करवाओगी। मगर बेटे जितना पढ़ लिया उतना ही काफी है। नहीं माँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बोलो ना दीदी। फिक्र मत कर तू जरूर डॉक्टर बनेगा। क्या हम उसे पढ़ा सकते हैं? जिनको पढ़ाई का शौक नहीं जब उनको आगे पढ़ाने के लिए लोग हैं तो जो पढ़ना चाहता है उसे आगे पढ़ाना हमारा धर्म है। मधु सीढ़ी लगाकर इंसान को दीवार पर तो चढ़ाया जा सकता है लेकिन सीढ़ी लगाकर कोई आसमान पर नहीं जा सकता। ऊपर चढ़ने की हिम्मत हो तो आसमान क्या, सीढ़ी लगा के इंसान स्वर्ग तक पहुंच सकता है। अगर तुम्हारी हिम्मत ने कहीं बीच में ही साथ छोड़ दिया तो वो बेचारा ना इधर का रहेगा ना उधर का। और फिर डॉक्टरी की पढ़ाई लाखों का खेल है जो सिर्फ अमीरों के बच्चे ही कर सकते हैं। हमें लाखों की जरूरत नहीं होगी। शुरू में मुश्किल जरूर आएगी लेकिन बाद में मुझे यकीन है उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। वो तो ठीक है मधु लेकिन हमारा दम पहले से निकला हुआ है। शारदा के ब्याह का कर्ज अभी तक उतरा नहीं। समंदर में एक कतरा और बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। सुंदर अभी बच्चा है उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। तो मैंने कब कहा उसे बीच में छोड़ दे। हमारे ऑफिस में एक चपरासी की जगह खाली है। चपरासी? हाँ दिन में वहां काम कर सकता है और रातों को अपनी पढ़ाई कर सकता है। क्यों तुम्हें चपरासी की नौकरी घटिया लगती है? आजकल BA पास भी इस नौकरी के लिए धक्के खाते हैं। हमारे ऑफिस में जो पहला चपरासी था ना उसने इसी तरह रातों को पढ़ाई करके MA कर ली और अब वो गैजेटेड ऑफिसर बन गया है। दिन भर लोगों को चाय कॉफी लाकर दिया करेगा सबके आगे जी जी करेगा। सुंदर से ये काम होगा नहीं और अगर मजबूरन उसने नौकरी कर ली तो वो पढ़ेगा नहीं। खैर मैं देख लूंगी कोई ना कोई रास्ता तो निकल आएगा। सुंदर को MBBS करवाने का वादा मैं कर चुकी हूँ। छोड़िए ये काम। आप इस घर की नौकरानी है क्या? तू चुप रहे। मैं चुप नहीं रहूंगा। वो लोग खुद तो आराम से सोते हैं और आपसे दिन रात काम करवाते हैं और आपकी सेहत भी अच्छी नहीं। शंकर बड़ी मालकिन बड़ी मालकिन बड़ी मालकिन छोटी मालकिन छोटी मालकिन देखो बड़ी मालकिन को क्या हो गया। गर्मी हो गई शायद। राइट लंग में कैंसर। डॉक्टर केस काफी सीरियस है मगर रेडियम थेरेपी से ठीक हो सकता है। इलाज फौरन शुरू हो जाना चाहिए। कम से कम 3-4 हजार रुपए खर्च होंगे। मैंने तेरी मदद क्या की अपने गले में फांसी का फंदा डाल दिया। आज कितने महीने हो गए। मैंने अपनी जिम्मेदारी पे तुझे 3,000 रुपया हुंडी पे लेके दिया था
असल तो क्या तूने उसका ब्याज भी नहीं भरा? जब कहता हूँ तो कोई बहाना कर देता है। वो हुंडी वाला सुबह शाम आकर मुझे उल्टी सीधी सुनाता है। आज मुझे एक पक्की बात बता दे, तू रुपया कब लौटाएगा? मुझे माफ कर दे नंदू, मेरी वजह से तुझे तकलीफ उठानी पड़ी। तू उस हुंडी वाले से कह दे कि एक हफ्ते में उसका रुपया लौटा दूंगा। अगर ना लौटाया तो नतीजा अच्छा ना होगा, समझे? मधु, तुमसे एक बात करना चाहता हूं। कहिए। शारदा के ब्याह पर एक दोस्त के जरिए मैंने 3000 रुपये हुंडी पे लिए थे। उस हुंडी वाले ने नाक में दम कर रखा है, उसका रुपया जल्दी से जल्दी वापस करना चाहिए। मैंने अपने प्रोविडेंट फंड में से कर्ज मांगा है, तुम अगर 1000 अपने प्रोविडेंट फंड में से मांग लो तो ये पलट जाएगी। लेकिन वो लोग इतनी जल्दी और कर्ज नहीं देंगे। क्या मतलब? माँ को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया है ना, उसके लिए 1000 रुपये कर्ज ले चुकी हूँ। रेडियम थेरेपी के लिए 3000 रुपये लगेंगे, डॉक्टर ने कहा है। दीदी, मुझे MBBS के दाखिले के लिए चुन लिया गया है, फीस भरनी है। कब तक? कल आखिरी तारीख है। अच्छा, मैं देखती हूँ। तूने 1 हफ्ता कहा था, आज 1 महीना हो गया। मैं चुप रहूं तो 1 साल भी हो सकता है। तुझे शर्म नहीं आती? जब लोगों के रुपए लौटाने की बात होती तो बड़े आराम से कह देता है तेरे पास कुछ नहीं, मगर अपनी फैमिली पर खर्च करने के लिए तेरे पास रुपए हैं, अपने साले को मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाने के लिए तेरे पास रुपए हैं। क्या कहा? मेरा साला मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ है? जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं। देखिए, ड्रामा मेरे साथ मत कर। मैं उस हुंडी वाले को अब और नहीं रोक सकता। तो एक दिन में तूने उसका हिसाब साफ ना किया तो भरे बाजार वो तेरी गर्दन पकड़ लेगा, फिर तू जान और वो जाने। रामनाथ, मैं तेरे जाती मामलों में दखल तो नहीं देना चाहता, मगर जब तेरे माली हालात इतने खराब हैं तो साले को मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाने की क्या जरूरत थी? सुंदर को मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा दिया? जी। ये रुपए कहां से आए? निमला जी से कर्ज लिए। वो कर्ज जो तुमने अपने भाई के लिए लिया, तुम्हें अपने पति के लिए नहीं मिल सकता था? ये बात नहीं है, मैं खुद सोच रही थी कैसे होगा। सुंदर अगर आज फीस नहीं भरता उसे साल भर बेकार बैठना पड़ता, लेकिन उसकी किस्मत कर्ज मिल गया। किस्मत सिर्फ तुम्हारे पति की खराब है हा? सुंदर 1 साल बेकार बैठ जाता तो क्या दुनिया खत्म हो जाती? जितना ध्यान तुम्हें अपने भाई का है उतना अपने पति का नहीं, इस परिवार का नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने उस दिन भी आपको बताया था। और मैंने कहा था उसे दाखिल करवा दो। आपने तो नहीं कहा था, लेकिन क्या हमारा दिल नहीं कहता कि जिन बच्चों को हम पालते हैं वो जिंदगी में कुछ बने, नाम पैदा करें? जिस पौधे को हम सींचते हैं उस पर फूल खिले तो क्या हमें खुशी नहीं होती? लेकिन जो एक फूल की खाते सारे बाग को कुर्बान कर दे, लोग उसे बेवकूफ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसमें बेवकूफी की कौन सी बात है? कल अगर वो डॉक्टर बन गया तो क्या परिवार की देखभाल नहीं करेगा? मैं आपसे विनती करती हूँ, इस मामले में और कुछ मत कहिए। तुम क्या कहना चाहती हो? बाकी सारी बातों में आज तक तुम्हें मैं ना करता आया हूँ? तुम अगर चाहो तो अपनी तनख्वाह क्यों, मेरी तनख्वाह भी ले सकती हो, और जो लोग तुम्हें ज्यादा पसंद है उन पे खर्च कर सकती हो, क्योंकि ये घर तुम्हारा घर नहीं है, इसके लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें तो इतनी भी परवाह नहीं है कि जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया है वो कल उठकर मुझे जेल भिजवा सकते हैं। तुम्हें तो सिर्फ उनकी खुशी चाहिए जिन्हें तुम अपना समझती हो, ठीक है ना? मेरी माँ, आप चुप हो जाना। लड़की ने तो आराम हराम कर दिया। ओहो, माँ मधु कहाँ है? गई है अपनी माँ के पास। इसे साथ नहीं ले जा सकती थी? उसे कहाँ परवाह है, न उसे तेरी चिंता है न इस बच्ची की चिंता है। ये नसीब वो जने तो किसी तरह पैदा हो गई है। ठीक है, अगर उसे तेरी देखभाल नहीं करनी है तो ना सही, कम से कम इस बच्चे की तो करे। जब देखो तो माँ के पास भागी रहती है, खुद जिसकी माँ है उसे उसकी चिंता ही नहीं, कूड़े की तरह फेंक जाती है। बेटा, बेटा, मैं आज तक कुछ नहीं बोला, हमेशा चुप रहा, लेकिन कब तक चुप रहूं? आखिर तेरा बाप हूं। बेटे, तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली, हम कुछ नहीं बोले, जहर का घूंट पी कर रह गए। बेटे, तू सुखी होगा तो हम भी सुखी रहेंगे, लेकिन अगर यही सुख है तो भगवान जाने दुख क्या होगा। बेटा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी बात मान ले। तुझे यहाँ कर्ज वाले रोज रोज तंग करते हैं, ससुराल की परेशानियां रहती हैं। जो तरक्की तुझे बदली की शर्त पर मिल सकती थी, जिसे तू हमेशा टुकराता रहा है, उसे मंजूर कर ले बेटे, सब ठीक हो जाएगा, सारी मुसीबतें टल जाएंगी। हाँ बेटा,
बहू को तो उसका मायका जौ की तरह चिपका हुआ है। उसे इस जंजाल से निकालने का यही एक तरीका है। जब तक ये नहीं करोगे बहू की समझ में नहीं आएगा कि वो एक पत्नी है, एक माँ है। उसकी भी कोई जिम्मेदारी है अपने परिवार की तरफ। मैंने सुना है आप बंबई जा रहे हैं। ठीक सुना तुमने। आपने खुद कह के ये बदली करवाई? करवाई या हो गई, इसमें फर्क क्या पड़ता है? लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? तरक्की, मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। क्या वो यहाँ रह के नहीं बढ़ सकती? अगर बढ़ सकती तो मुझे वहां जाने की क्या जरूरत थी? आप इसे रुकवा नहीं सकते? वो किस लिए? मेरी नौकरी यहाँ है, मेरी माँ हॉस्पिटल में यहाँ है, शंकर और सुंदर यहाँ पढ़ते हैं। तुम जब हमेशा अपना ही सोचती हो तो क्या मुझे एक बार भी अपना बुरा भला नहीं सोचना चाहिए? चले घर चल के बात करते हैं। बात यहाँ भी हो सकती है? यहाँ मेरी तनख्वाह मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे तरक्की की सख्त जरूरत है। यहाँ घर का किराया तक देने के लिए मेरे पास रुपया नहीं है। वहां मुझे कंपनी की तरफ से फ्री मकान मिलेगा। पिछले 5 साल से मैं इसी तरक्की के लिए अपनी जान तोड़ता रहा हूं, अब क्या उसे ना कर दूं? तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं। इसका फैसला तुम खुद कर सकती हो। ठीक है, आप मुझे वहां नौकरी दिलवा दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं तुम्हें नौकरी कहां से दिलवा सकता हूं? और वैसे भी मुझे तुम्हारा नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नौकरी नहीं करूंगी तो पैसे कहां से आएंगे? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा परिवार क्या मेरा परिवार तुम्हारा कुछ नहीं? मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरा बाप तुम्हारा कुछ नहीं? तुम्हें उनकी कोई फिक्र नहीं है क्या? मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद सबको लेने के लिए वापस आऊंगा। तब तक तुम फैसला कर सकती हो कि तुम क्या चाहती हो। अरे राम तुम आ गए, जीते रहो। आओ बेटे आओ, बहुत दिन लगा दिए, घर की याद ही भूल गए बेटे। सफर कैसा रहा? जी जी ठीक रहा। अच्छा अच्छा, जीते रहो बेटे। बंबई में घर मिल गया? जी पिताजी, हम लोग कल ही बॉम्बे जा रहे हैं। अच्छा माँ, तुम सफर की तैयारी करो। अच्छा, वो कमरे में नहीं है आजकल, वो ज्यादातर अपनी माँ के पास रहती है अस्पताल में। अरे अभी अभी सफर करके आया है, इसे पानी वानी तो पूछो। बेटे से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? बेटा जब से तुम गए हो यही होता रहा है। बेटो कभी कभी आती है, शक्ल दिखाती है और चली जाती है। किरण कहाँ? उसे भी साथ ले गई है। क्या फैसला किया तुमने? मैं क्या फैसला करूं, आप सब कुछ जानते हैं, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। तो फिर चलने की तैयारी करो, हम लोग कल बॉम्बे जा रहे हैं। एक बार अपने आप को मेरी जगह रख के सोचिए, एक तरफ माँ की जिंदगी और मौत का सवाल है, दूसरी तरफ बेसहारा शंकर और सुंदर, मेरे बिना कौन देखभाल करेगा उनकी यहाँ? मगर मैं आपसे दूर भी रहना नहीं चाहती। ठीक है, आप मुझे वहां नौकरी दिलवा दीजिए। मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूं कि मुमकिन नहीं है, और फिर नए शहर में मैं तुम्हारे लिए कहां नौकरी ढूंढता फिरूंगा? अगर मैं नौकरी नहीं करूंगी तो इस बुरे वक्त में उनकी सहायता कौन करेगा? अपनों की तो जितनी सहायता की जाए कम है, उसका कोई अंत नहीं है। आज तुम सुंदर को MBBS कराना चाहती हो, कल उसे MD बनाना चाहोगी, परसों उसे इंग्लैंड या अमेरिका भेजकर कोई डिग्री भी दिलवाना चाहोगी, फिर कहोगी कि उसकी शादी किसी अच्छे घराने में हो जाए, फिर उसके बच्चों को ऊंची तालीम दिलवाओगी और फिर उनकी शादी करवाओगी। मैं इतना सब कुछ कहाँ कह रही हूँ, सिर्फ इतना दान मांग रही हूँ कि किसी तरह सुंदर अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल हो जाए। वो चाहे तो आज भी अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन अभी बच्चा है वो, उसमें इतनी शक्ति नहीं कि जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके।
शक्ति उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक वो मजे से बैठा निवाले तोड़ता रहेगा। अगर वो चपरासी की नौकरी कर ले तो उसे 150 रुपए महीना मिल सकता है। अपने घर के आधे हिस्से में खुद रहे, आधा हिस्सा किराए पर रहने दे, इतने में वो लोग नहीं जी सकते? जीने को तो लोग भीख मांग कर भी जी सकते हैं, इसलिए क्या जरूरी है कि मैं भिखारी बनाऊं? तुम जब बात समझना ही नहीं चाहती तो तुम और तुम्हारा परिवार कौन सी नदी में छलांग लगाएगा, इससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बच्ची की मां, इस नाते अगर तुम जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, और अगर नहीं आ सकती तो इस परिवार से हमेशा के लिए अलग हो जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों, क्यों ना करूं ऐसी बातें? हाँ, आज आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उस रोज मैंने क्या कहा था आपसे कि मेरे कंधों पे मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, और जब तक वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। उस रोज आपने कहा था जिस तरह आप अपनी आमदनी से अपने परिवार की देखभाल करते हैं मैं भी अपने परिवार की देखभाल कर सकती हूँ। आपने ये भी कहा था कि हमारी जिम्मेदारियां, हमारी मजबूरियां एक जैसी हैं, हमारा ब्याह हमारे फर्ज के रास्ते में कोई बाधा नहीं डालेगा। मैंने आपकी बातों का विश्वास किया और शादी के लिए हाँ कर दी। इसका मतलब तुमने मुझसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम्हें मुझसे प्यार था? हाँ, अब इस बहस का क्या फायदा, जो सच है आप अच्छी तरह जानते हैं, आप इसका इकरार करें या ना करें। मेरी माँ को इन सारी बातों का कुछ पता नहीं, उन्होंने तो जिंदगी में एक ही खुशी का सपना देखा था, वो आपको अपने परिवार का रक्षक मानते हैं, भगवान मानते हैं। मैं नहीं चाहती उनका सपना टूट जाए। मैं आज से अपनी आधी तनख्वाह आपको दे दिया करूंगी। हम दोनों ने अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से एक दूसरे से शादी की थी, इस तरह एक दूसरे से बिछड़ जाए हम दोनों को शोभा नहीं देता। तुम्हारे लिए शायद ठीक नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ठीक है, क्योंकि मैं मर्द हूं। तुम अगर मेरे साथ नहीं आई तो समाज तुम्हीं पे उंगलियां उठाएगा। समाज? कैसा समाज, कहां का समाज? जो ताकत पर के आगे झुकता है और कमजोर को अपने पांव तले कुचल देता है, जिसके पास इंसाफ के अलग अलग तराजू हैं, मर्द के लिए एक इंसाफ, औरत के लिए दूसरा इंसाफ। आप अपने घर के बड़े बेटे हैं, मैं अपने घर में बड़ी हूं, अपने परिवार की देखभाल करना जैसे आपका फर्ज बनता है मेरा भी फर्ज बनता है। आप पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप कमाते हैं मैं कमाती हूँ, हम दोनों की जिम्मेदारियां एक जैसी हैं। फिर हम दोनों में फर्क क्या है? यही ना कि आप मर्द हैं और मैं औरत हूँ। आपकी बहन का ब्याह हुआ जो आपकी तौफीक के बाहर था, मैंने उस पर कोई एतराज नहीं किया, मुझे खुशी हुई कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, किसी तरह आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। लेकिन मेरी नाव भावर में फंसी हुई है, मैं अपने भाई को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरी मदद करने के बजाय, मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय आप मेरी नाव को डुबो देना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ क्यों, हर बात का आप एक ही जवाब देते हैं, आप मर्द हैं इसलिए। तुम कहने क्या चाहती हो? मैं सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करता आया हूँ, तुम्हारे परिवार के लिए मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं इतना खुदगर्ज हूँ तो मुझे तुम्हारी नौकरी के लिए इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत थी? उस वक्त मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। आपने सोचा होगा जब मैं कमाने लगूंगी आप मुझसे शादी कर लेंगे। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी तनख्वाह के लालच में मैंने तुमसे शादी की? हाँ, अब तो मुझे ऐसे ही लगता है, आपकी बातों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया। मधु, आप लोग इस बात में मत आइए। तुम क्या सोचती हो, मुझसे शादी करके तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी की है? कुर्बानी मैंने दी है। सब लोग मुझे मना कर रहे थे कि इधर उधर भजन गा के पैसे इकट्ठे करने वाली लड़की में क्या रखा है। लोग मुझे 1000 रुपए दहेज में देने के लिए तैयार थे, मैंने फिर भी तुमसे शादी की, ये कुर्बानी नहीं क्या? सिर्फ यही एक नहीं, आपने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैंने ही कुछ नहीं किया आपके लिए। जब मैंने आपसे पहली बार कहा मैं मां बनने वाली हूँ तो मिठाई की जगह आपने मुझे जहर ला के दिया ना, ये भी तो आप ही की कुर्बानी थी। आपने कहा अपना मकान किराए पे दे दूं, शंकर सुंदर और माँ को यहाँ लेकर आ जाऊं, यहाँ उनके साथ नौकरों से बुरा सलूक हुआ, यह भी तो आप ही की कुर्बानी थी। मेरी माँ बीमार हो गई, मुझसे कहा गया कहीं उसे छूत छात की बीमारी ना हो, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, यह भी तो आप ही की कुर्बानी थी। ठीक है, ये लोग अब मरेंगे जी, मुझे इससे क्या, ये लोग मेरे होते कौन है, मैं आपके साथ ही चलूंगी। इस तरह सोग मनाते हुए मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहकर भी तुम उन्हीं का रोना रहोगी। तुम यही रहो, खूब कमाओ, जिसे जो तालीम दिलवाना चाहती है दिलवाओ, बड़ा आदमी बनाओ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। लेकिन तुम्हें मुझे और मेरी बच्ची को भूल जाना पड़ेगा। यही आपका आखिरी फैसला है? हाँ। औरत ब्याह के बाद अपने बेसहारा परिवार की देखभाल करे
तो उसे बुरा कहा जाता है, उसकी निंदा की जाती है। यही सब कुछ अगर मर्द करे तो उसे देवता पुरुष मानते हैं, उसकी वाह वाह होती है। ये कैसा इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप फैसला कीजिए ये कैसा इंसाफ है। अपने इंसाफ का ये बेसुरा भजन मुझे मत सुनाओ। जो मुझे ठीक लगता है वही इंसाफ है। तुम्हारे लिए अब इस घर में एक मिनट ठहरना भी मुमकिन नहीं है। तुम अपने पति और अपनी बच्ची की क्या देखभाल करोगी? तुम्हें तो अपना मैका ज्यादा प्यार लगता है, मैके के लोग ज्यादा प्यार लगते हैं। चले जाओ यहां से, तुम मेरी बेटी को अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरी बेटी को मुझसे मत छीनिए, मेरी किरण को मुझसे अलग मत कीजिए, मेरी किरण को मैं आपके हाथ छोड़ती हूं। मेरी बेटी को मुझसे मत छीनिए, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरी बेटी को मुझसे मत छीनिए।
जवानों ने हम लोगों की खातिर जो कुर्बानी दी है उसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते, न मैं न सुंदर, 100 जन्म ले तो भी नहीं, तो भी नहीं। तुम्हारी छोटी मालकिन सचमुच देवी है, लेकिन भगवान का ये कैसा इंसाफ है, उन जैसी देवी को ऐसा खुदगर्ज और बेरहम पति दिया जो उन्हें बीच मझधार छोड़ के चला गया, उनकी बेटी को उनसे छीन कर ले गया। टेलीग्राम। Arriving today, along with sister, meet railway station, express. Sundar. छोटी मालकिन आ रही। Hi Shankar. Hi, hi Sundar. कैसा है तू? Aslas. Shankar. छोटी मालकिन. जी तारे. आइए. भाभी कहाँ है? वो अपने मायके गई है। यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो गया है। अच्छा? और तरक्की भी हो गई है। वाओ, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। देख, तू दीदी को लेकर घर जा, मैं ड्यूटी ज्वाइन करने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके। अच्छा दीदी, हाँ कुली, इस तरह चल रहा हूँ। ये है शंकर महल। अरे घर तो बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है। आपकी ट्रेनिंग है ना, अब आप बैठिए और बताइए क्या पियेंगे आप, चाय कॉफी शरबत? मुझे जो चाहिए मैं खुद ही ले लूंगी। पहले तू बता, तू ठीक से खाना नहीं खाता? ठीक से तो खाता हूँ। तो फिर इतना दुबला क्यों हो गया है? आप यहाँ नहीं थी ना मेरी देखभाल करने के लिए। तो तू क्या सारी उम्र बच्चा ही रहेगा? सुंदर की तरह तू भी शादी कर ले, देखभाल करने वाली मिल जाएगी। अच्छा आप कहती हैं तो शादी कर ही लूंगा। अरे रे, नीचे क्यों बैठ गया है? यही तो मेरी असली जगह है। अब ये क्या करने लगा? आज मैं बहुत खुश हूं। अच्छा अच्छा, चल छोड़। लेकिन आज तक आपसे बहुत नाराज था। क्यों? आप एक बार भी मेरे पास आकर नहीं रही, हमेशा सुंदर के पास रहती थी। अरे पगले, तुझे क्या मालूम मेरा कितना जी चाहता था तेरे पास आके रहूं, मगर मैं यहां आती कैसे? वो इसी शहर में तो रहते हैं। अच्छा, रहते हैं तो क्या हुआ? कहीं उनसे आमना सामना हो जाए तो क्या होगा? ये तो सिर्फ राम ही जा मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं, एक तरफ मेरा जी जाता है किसी न किसी तरह वो मेरे सामने आ जाए, मैं उनके दर्शन तो कर लूं एक बार, लेकिन साथ ही साथ दिल कांपता भी है, अगर वो मेरे सामने आ गए तो मुझे पहचानेंगे भी या नहीं, उनसे बात भी करेंगे या नहीं, मुझे अपनी बेटी से मिलने देंगे भी या नहीं। सुनो, तुम किसके यहाँ काम करते हो? रामनाथ जी के। साहब हैं घर पर? साहब तो माँ जी और पिताजी को लेकर अस्पताल गए हैं। क्यों? माँ जी अंधी है ना, पिताजी अपाहिज, महीने में एक बार अस्पताल जाना पड़ता है। ओ, साहब की बेटी? वो घर पे है। ये मोती नहीं मिलता सागर।
कौन है आप? किसे मिलना चाहती हैं? तुम किरण हो ना? लेकिन ये तो मेरे बचपन का नाम है, आप कैसे जानती हैं? तुम्हारा ये नाम मैंने ही तो रखा था। क्या? क्या? दादी तो कह रही थी ये नाम मेरी माँ ने रखा था। हाँ, वो उस वक्त मैं वहां मौजूद थी। दादी ने मेरा नाम बदल के सुधा रख दिया। लेकिन आप कौन हैं? बेटी, मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। तो आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना, बैठिए। बैठिए। हाँ, क्या पिएंगी? कुछ नहीं, तुम भी बैठो ना। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? वही वही कहाँ? नागपुर में। मैं यहाँ किसी काम से आई थी, उन्होंने खास कहा था तुमसे जरूर मिलूं। देखो, उन्होंने साड़ी भेजी है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। बैठिए ना। हाँ। कैसी लगी? बहुत अच्छी। इतने साल मेरी माँ को मेरी कभी याद नहीं आई। उन्होंने उन्होंने मुझे कैसे भुला दिया? बेटी, माँ भी कभी औलाद को भुला सकती है जिसे उसने 9 महीने पेट में रखा, जिसे उसने जन्म दिया। तो फिर वो मुझे कभी मिलने क्यों नहीं आई? वो बेचारी तो बरसों से तड़प रही है तुम्हें मिलने के लिए, लेकिन डरती है तुम्हारे पिता उसे मिलने नहीं देंगे तुमसे। अपनी ममता के समंदर को दिल में दबाए हुए बैठी है। बेटी, कभी तुम्हारा दिल चाहता है अपनी माँ से मिलने के लिए? दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन जब भी माँ के बारे में डैडी से पूछती हूँ तो वो चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते। दादाजी से पूछती हूँ तो वो कहते हैं मुझे माँ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो मुझे और डैडी को अकेला छोड़ के चली गई। दादी कहती है मेरी माँ किसी गहरे मर्द के साथ चली गई। क्या ये सब सच है? कहिए, क्या वो मुझे और मेरे डैडी को किसी और के लिए छोड़ के चली गई? नहीं बेटे, ये सच नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, उसे निकाल दिया गया था। आम घरों में अपने माँ बाप भाई बहन की देखभाल की जिम्मेदारी मर्द पर होती है, लेकिन किस्मत की बात तुम्हारी माँ के कंधों पर भी ऐसी ही जिम्मेदारी थी। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि शादी के बाद अपनी तनख्वाह से वो अपनी माँ, अपने छोटे भाई और अपने नौकरानी के बेटे का पालन कर सकती है, पर बाद में इसी चीज को लेकर झगड़े होने लगे। एक दिन तुम्हारे पिता बहुत नाराज हो गए और उन्होंने तुम्हारी माँ को निकाल दिया। तुम्हें उसे छीन कर ले गए जैसे कोई किसी का कलेजा निकाल कर ले जाता है। आखिर तुम्हारी माँ ने अपने दिल पे सफर का पत्थर रख लिया और आज वो इसी उम्मीद पर जिंदा है कि मरने से पहले एक न एक दिन शायद वो तुम्हें देख सके। बस बेटे, ये सच है, यही है तुम्हारी माँ की कहानी, जीते रहो, जीते रहो। उन्होंने हम लोगों की खातिर जो कुर्बानी दी है उसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते, न मैं न सुंदर। 100 जन्म ले तो भी नहीं, तो भी नहीं।
शंकर, अरे सुधा, अच्छा तुम आ गई। सुंदर यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ गया है, उसे मकान मिल गया, छोटी मालकिन उसके साथ है, मैं भी वही जा रहा हूँ। जल्दी चलो ना शंकर। तुम भी चलोगी? हाँ। छोटी मालकिन तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी। हाँ। और जब उनको ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तो वो खुशी से फूली नहीं समाएंगी। मगर तुम्हारा उनसे? शंकर, वो मेरी माँ है। कैसे बताती, 20 बरस हो गए, इतनी सी बच्ची थी जब मुझे उससे अलग किया गया। मैं अचानक वहां जाके कह देती मैं तेरी माँ हूं तो क्या वो विश्वास करती? विश्वास कर भी लेती तो क्या स्वीकार करती मुझे? उन्होंने उसके मन में मेरे खिलाफ न जाने कैसे कैसे जहर भर रखा। मैं उस पर अपना आप जाहिर कर देती और वो मुझे धुतकार कर निकाल देती तो? नहीं माँ, नहीं, नहीं। बेटी किरण, किरण मेरी बेटी, किरण मेरी बेटी, मेरी बेटी, बेटी। इसमें गलती तेरी है राम, तुमने सुधा को बहुत ढील दे रखी है। अरे मैं मानता हूं कि वो कमाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रोज रोज शाम तक वो घर से बाहर रहे। अब उसकी शादी कर ही देनी चाहिए। मैंने भी यही सोचा है। अरे शादी तो कभी भी हो सकती है, मगर वो पति के घर चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? तेरी तनख्वाह से तो हमारा इलाज चलता है और उसकी तनख्वाह से घर चलता है। ये सब सोचकर मैंने सुधा के लिए एक लड़का देखा है, बात भी पक्की कर ली है। शादी के बाद लड़का यहीं रहेगा हमारे पास, कल वो लोग सुधा को देखने आ रहे हैं। डैडी, इसकी कोई जरूरत नहीं। कहां थी तुम? मैंने अपना वर चुन लिया है और वो हमारी मदद करने के लिए भी तैयार है। सुधा, आज तक मैंने तुझसे कोई सत्य नहीं बरती, इसका मतलब ये नहीं कि तू। डैडी, मैं सब समझती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है, आप पर कितनी परेशानियों का बोझ है। जो लड़का मैंने चुना है वो मेरे साथ बैंक में काम करता है, उसकी तनख्वाह 1000 रुपए है, न माँ है न बाप, सिर्फ एक भाई है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और शादी के बाद वो हमारे साथ ही रहेगा और जरूरत पड़ी तो अपनी तनख्वाह से हमारी मदद भी करेगा। राम, अरे ये रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है। लड़के भी खुश और हमारा भी कल्याण। राम, तू जाके बात कर ले। ठीक है सुधा, लड़का तुझे पसंद है तो मैं कल ही जाकर उसके भाई से बात कर लूंगा, तू मुझे उसका नाम और पता बता दे। आपको जाने की जरूरत नहीं, वो लोग खुद आएंगे आपके पास। बस बस बस। अरे सुधा जी, शंकर नहीं आया अभी तक? पता नहीं डैडी, मेरी तो आज छुट्टी थी। हाँ। शायद कोई काम निकल आया होगा। आप खाइए। सुधा जी आई है। सुधा मुबारक हो। किस बात की? बहुत अच्छी खबर लाया हूँ फादर इन लॉ, पहले मुंह मीठा कीजिए आप। कुछ बताइए भी तो सही। मुझे प्रमोशन मिल गई है। प्रमोशन मिल गई है? हाँ, और प्रमोशन के साथ साथ मेरा ट्रांसफर भी हो गया। ट्रांसफर? हाँ ससुर जी, ट्रांसफर। सुधा तुम जल्दी से तैयारी शुरू कर दो, हमें 1-2 दिनों में जाना होगा। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरी तो नौकरी यहाँ। मैंने तुम्हारे ट्रांसफर के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो मैनेजर साहब कहने लगे कि 2 साल तक मुमकिन नहीं है। 2 साल? हाँ सुधा, 2 साल। पर तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बिना 2 दिन भी नहीं रह सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नौकरी छोड़ो, चलो मेरे साथ। राम, सुना तूने क्या कह रहा है? राम बेटा, सुधा नौकरी छोड़कर कैसे जाएगी? अरे नौकरी नहीं छोड़ेगी तो मेरे साथ कैसे जाएगी? अरे मैं जाने की जरूरत भी क्या है, हम चाहे तो तुम्हारी ट्रांसफर रुकवा सकते हैं। कमाल कर रहे हैं आप ग्रैंडफादर इन लॉ, पिछले 5 सालों से मैं इस ट्रांसफर के लिए जान तोड़ रहा हूँ। अरे भाई, इस ट्रांसफर का फायदा क्या है? ओहो, तरक्की, प्रमोशन, मेरी तनख्वाह बढ़ेगी और बैंक की तरफ से मुझे फ्री मकान भी मिलेगा। अरे तुम दोनों चले गए तो हम सबका क्या होगा, हम कहां जाएंगे? कहां जाएंगे, आप यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तुम तो जानते हो बेटा मेरी तनख्वाह
माँ और पिताजी के इलाज पे चले जाती है, सुधा की तनख्वाह से घर चलता है। अगर सुधा नौकरी छोड़कर चले गई तो हमारे परिवार का क्या होगा? मैं आपके परिवार को देखूं या अपने भले को? आपके परिवार का क्या होगा उसे मेरा कोई वास्ता नहीं। तुम्हारा न सही, मेरी बेटी का तो है। वो बात आप फादर इन लॉ अपनी बेटी से कीजिए। बेटे तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं अपाहज, ये अंधी, हम दोनों का इलाज और फिर लंबे चौड़े खर्चे। बेटा तुम दोनों इस तरह अचानक चले जाओगे तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। अगर आप इतना ही मजबूर हैं तो चलिए हमारे साथ, जो भी रुखी सुखी बनेगी आप खा लीजिएगा। ना बाबा ना, दामाद की चौखट पर बैठा ससुर बुरा, गली का कुत्ता अच्छा। क्यों? जब ससुर के घर बैठा दामाद आपको गली के कुत्ते से बुरा नहीं लगता तो दामाद के घर बैठे ससुर जी और उनके पूजे माताजी और पिताजी में क्या बुराई है? शादी से पहले तुमने क्या वादा किया था? यही ना कि तुम यहां रहोगे हमारे पास? शादी से पहले हर मर्द हजारों वादे करता है फादर इन लॉ, लेकिन उन वादों का कोई मतलब नहीं होता। यह बात तुमने शादी से पहले क्यों नहीं की? मेरा ख्याल था आप जानते होंगे, क्योंकि आप खुद एक मर्द हैं, एक समझदार मर्द, एक तजुर्बेकार मर्द। तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है शंकर। असली मर्द की यही तो तारीफ है फादर इन लॉ। सुधा, मैं चला बैंक वापस। अब तुम अच्छी तरह सोच लो कि तुम अपने परिवार की खातिर अपने पति को छोड़ना चाहती हो या अपने पति की खातिर अपने परिवार को। सुनिए तो, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझे आकर बैंक में बता देना, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। देखा बेटी, तू कहती थी कि बहुत अच्छा है वो, शादी से पहले कहता था कि उसे हमारी सारी शर्तें मंजूर है। अब शादी हो गई तो तुम कौन हो, मैं कौन हूं? बेशर्म दगाबाज। डैडी, वो मेरे पति हैं, उनके खिलाफ कुछ भी कहने का आपको कोई हक नहीं। सुधा, तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। अगर तुम चली गई तो बाप होने के नाते आपको खुद सोचना चाहिए। अगर वो आदमी आपकी बेटी को छोड़ के चला गया तो लोग उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे ये वही औरत है जिसका पति उसे छोड़ के चला गया। तो आखिर तुम ही बताओ कि हम करें क्या। वो मैं क्या कह सकती हूँ डैडी, मैं तो खुद सोच रही हूँ भगवान ने ये पति और पत्नी का रिश्ता बनाया ही क्यों है। हर पति अपने आप को परमात्मा समझता है और पत्नी को पैर की धूल, जब चाहा ठोकर मार दी। शादी से पहले हर आदमी औरत से कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप, मैं उन्हें सदा सर आंखों पर बिठा कर रखूंगा, और शादी के बाद उन्हें किसी खाई में फेंक देता है जैसे वो इंसान नहीं कोई खामखा का बोझ हो। और अगर पत्नी कुछ कहती है तो पति फौरन हुक्म चलाता है, फैसला कर लो तुम्हें पति चाहिए या परिवार। ये तुम क्या कह रही हो सुधा? बेचारी पत्नी क्या कहेगी, उसे तो पति के साथ जाना ही पड़ेगा। सुधा, इसका मतलब है कि तुम हम सबको छोड़कर चली जाओगी? मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। डैडी मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये तो चली गई। राम, हे राम, अरे तुम घरे सोच क्या रहे हो, जो शंकर के भाई से बात करो। वो तो ठीक है मगर उसका ट्रांसफर हो गया है, वो बेचारा कर ही क्या सकता है। सवाल है कि मैं क्या करूं? आपके उस वादे पर कि शादी के बाद लड़का लड़की दोनों मेरे घर में रहेंगे मैंने शादी के लिए हाँ की थी, अब वो दोनों मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरी क्या पोजीशन होगी? बेटी पे बाप का हक सिर्फ शादी तक होता है डैडी, उसके बाद जो भी हो पत्नी को अपने पति के साथ ही रहना पड़ता है, यही हमारी हिंदू सभ्यता है डैडी। मुझे तुम सभ्यता सिखा रही हो? सिखा नहीं रही डैडी, सिर्फ बता रही हूँ आप जैसे बुजुर्ग क्या कहते आए हैं और क्या कहते रहेंगे। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ डैडी, मैं एक हिंदू पत्नी हूँ और हिंदू पत्नी की जगह उसके पति के चरणों में होती है। देख रहे हैं आप मेरी बेटी कितनी जल्दी कितनी तरक्की कर गई है, कल तक मेरे सामने मेरी मर्जी के खिलाफ इसके मुंह से बात नहीं निकलती थी और आज ये मुझे ज्ञान दे रही है। ये सब आपके भाई शंकर ने इसे उल्टी पट्टी पढ़ाई है। इंसाफ यही है कि आप बड़े होने के नाते इसे समझाइए और मेरे साथ भेज दीजिए। अगर मैं कहूं भी कि इंसाफ यही है तो भी मेरा भाई नहीं माने। तो किसकी बात मानेगा वो? सिर्फ एक इंसान है इस दुनिया में जिसका कहा वो सुन सकता है, मान सकता है, मैं उन्हें लेकर आता हूं, इंसाफ उन्हीं के हाथों होगा। मेरे डैडी आए हैं
आप उन्हें नमस्ते नहीं करेंगे? ससुर को दामाद के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं या दामाद को ससुर के आगे? फिर भी वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। सिर्फ उम्र बड़ी होने से अगर इज्जत बढ़ जाती है तो हमें दुनिया के हर पत्थर को प्रणाम करना चाहिए, क्यों? आप जो कुछ पूछना चाहते हैं इनसे पूछ सकते हैं। तुम मेरी पत्नी, मेरी बच्चे की मां, इस नाते अगर तुम जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, और अगर नहीं आ सकती तो इस परिवार से हमेशा के लिए अलग हो जाओ। तुम अगर मेरे साथ नहीं आई तो समाज तुम्हीं पे उंगलियां उठाएगा। इस तरह सोग मनाते हुए मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहकर भी तुम उन्हीं का रोना रहोगी। तुम यही रहो, खूब कमाओ, जिसे जो तालीम दिलवाना चाहती है दिलवाओ, बड़ा आदमी बनाओ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। खामोश क्यों, पूछिए ना। अब ये क्या पूछेंगे, सवाल भी खुद और जवाब भी खुद। इसका मतलब तुम सुंदर हो? जी हाँ, वही सुंदर जिसे आप दफ्तर का चपरासी बनाना चाहते थे। सर, मैं डॉक्टर सुंदर का भाई नहीं, मैं वही अनाथ शंकर हूं जिसके साथ आपके घर में नौकरों से भी बुरा सलूक होता था ना। और ये जो मजलूम औरत आपके सामने खड़ी है आपकी पत्नी है, जिसे बदनाम किया गया कि वो अपने पति और अपनी बच्ची को छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ चली गई। चुप रह किरण। नहीं माँ, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे कहने दो माँ, मुझे कहने दो। इस बेचारी को अंदाजा नहीं था कि पति का हुक्म न मानने का ये नतीजा होता है, इसलिए ये जिंदगी भर दुख और मुसीबतें झेलती रही। लेकिन मेरे सामने तो जिंदा मिसाल है, अगर इसके बावजूद मैं अपनी तनख्वाह से आपकी मदद करूं तो क्या मेरा पति मुझे छोड़ नहीं देगा? जरूर छोड़ देगा। सुना आपने, इसीलिए मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया और अपने पति के साथ चली आई। क्या मैंने गलती की? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब दीजिए, चुप क्यों है? किरण, मुझे पूछने दो माँ। ये वो महापुरुष है जो कहते हैं कि औरत को अपनी कमाई में से अपने परिवार पे एक पैसा खर्च करने का कोई हक नहीं, यह हक सिर्फ मर्द का है। वो अपने माँ बाप भाई बहन सबको पाल सकता है। उसकी माँ माँ है, उसका बाप बाप है, और औरत के माँ बाप कुछ भी नहीं। आज जब इन पे बीत रही है तो ये हमें बता रहे हैं कि इंसाफ क्या होता है। बेटी, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मेरी माँ के बेसहारा परिवार का उसकी तनख्वाह पे कोई हक नहीं था तो मेरी तनख्वाह पे आपका क्या हक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारी सभ्यता यही सिखाते हैं ना कि पत्नी को अपने पति की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपने पति की मर्जी के खिलाफ जाऊंगी तो मेरे साथ भी वही होगा जो मेरी माँ के साथ हुआ था। उस वक्त आपका इंसाफ कहाँ गया था जब आपने मेरी बेकसूर माँ को घर से निकाल दिया? इंसाफ तो अंधे की लाठी है पिताजी, आपने ये कैसे सोच लिया कि आपके लिए इंसाफ अलग होगा और मेरी माँ के लिए इंसाफ अलग होगा? किरण चुप रह, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखेगी। माँ, तू अपने आप को मेरी बेटी कहती है, तूने अपने आराम, अपने स्वार्थ के लिए अपने फर्ज को कुर्बान कर दिया। आज तुझे अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। 20 बरस पहले अगर मैं भी वही करती जो आज तूने किया है तो तेरे पति की क्या हालत होती? क्या इस वक्त वो यहाँ होता? क्या तेरा पति बनने के योग्य होता? क्या सुंदर डॉक्टर बन सकता? मैंने तुम दोनों के लिए जो किया है तुम पे कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लेकिन आज जो तुम लोगों ने हरकत की, मुझे लगता है मैंने अपना फर्ज ठीक से नहीं निभाया, तुम लोगों को ठीक शिक्षा नहीं दी। शंकर, तुमने मुझे बताए बगैर किरण से शादी की, किरण के पिता को धोखे में रखा, और सुंदर तुम तो बड़े हो, तुम भी इनके साथ मिल गए। मैं सिर्फ तुम्हारी बहन, तुम्हारी छोटी मालकिन और तेरी माँ नहीं, किसी की पत्नी भी हूँ। मैं तुम तीनों से पूछती हूँ, मेरे पति का कसूर क्या है? इन्होंने ऐसी कौन सी नाइंसाफी की है जो दुनिया के हर मर्द ने नहीं की? जब से दुनिया बनी है मर्द ने हमेशा अपने आप को औरत से बढ़कर माना है। मर्द ने ही कानून बनाए हैं, मर्द ने ही इंसाफ किया है, तो आज कौन सी नई बात हो गई? शंकर, तुमने भी वही किया जो तुमसे पहले तुम्हारे पुरखों ने किया है। अगर तुम लोगों को कुछ करना ही था तो कोई ऐसी बात करते जिसे औरत के जन्म जन्म की दुविधा खत्म हो जाती। एक ऐसा समाज, एक ऐसी सभ्यता जन्म ले सकती जिसमें औरत और मर्द में कोई फर्क न किया जाए, जहां औरत को भी मर्द की तरह इंसान समझा जाए। शंकर, अगर तुम अपनी छोटी मालकिन को खुश देखना चाहते हो तो किरण के पिता से माफी मांगो और किरण को लेकर उनके साथ जाओ। इसकी जरूरत नहीं है शंकर। किरण,
तुम दोनों ने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इस दुनिया में जब तक मुझ जैसे गलतियां करने वाले लोग हैं, गलतियों को सुधारने वाले तुम जैसे इंसानों का होना जरूरी है। परसों पहले जब तुम्हारी दीदी ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें आगे पढ़ाएगी, तो मैंने उसे कहा था कि सीढ़ी लगाकर इंसान दीवार पर तो चढ़ सकता है, मगर आसमान तक नहीं पहुंच सकता। तब तुम्हारी बहन ने मुझसे कहा, आसमान तो क्या, हिम्मत हो तो इंसान उससे भी ऊपर जा सकता है। आज तुम्हारी बहन ने अपनी बात को सच कर दिखाया, तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया, लेकिन इस ऊंचाई पर खड़े होकर सिर्फ ऊपर की तरफ मत देखना, कभी कभी एक नजर नीचे भी देख लेना, क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हारी सीढ़ी थामे नीचे खड़ी है, तुम्हारी तरफ देख रही है कि कहीं सीढ़ी अपनी जगह से हिल न जाए। सुंदर, अपनी बहन को हमेशा देखते रहना। हाँ, याद है उस रोज तुमने मुझसे कहा था, जब आंधी आती है तो फल फूल पत्ते गिर जाते हैं, शाखें डर के मारे कांपने लगती हैं, लेकिन जो पेड़ है वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। अगर पेड़ भी शाखों की तरह कांपने लगे तो वो गिर जाता है। मैं वो पेड़ हूं जो अपनी जगह से गिर गया। गिरने के बाद तुम्हारी बात मेरी समझ में आई, मगर बहुत देर हो चुकी थी। गिरा हुआ पेड़ फिर से खड़ा नहीं हो सकता। पर मुझे खुशी है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गई हो। अच्छा, मैं चलता हूं। रोक ले रोक ले राम को, रोक ले सीता, जिसके लिए सुनिए, मेरी मंजिल तो आप है। राम न अब मुख मोड़ो सिया से, राम न अब मुख मोड़ो, झूठे अभिमान में दुख ही दुख है, छोड़ो ये हट छोड़ो, सिया बिना राम बिन राम सिया, लगता के अधूरा नाम लिया, सिया बिना राम बिन राम सिया, लगता के अधूरा नाम लिया। हो सिया राम सी अमर हो जोड़ी, सिया राम सी अमर हो जोड़ी, हर नारी नर की कृपा
जाए।